दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में बीती रात 5 डकैतों ने एक आरा मिल की मालिक मिश्रा के घर में परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। यह घटना बीती रात करीब 3 बजे की हुई है, जहां सीसीटीवी में 5ों नकाबपोश डकैत कैद हुए हैं। डकैतों ने दरवाजा न खोलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर तक पहुंच गए, जहां आरोपियों ने आरा मिल संचालक दिलीप मिश्रा के परिवार को बंधक बनाकर उनके घर पर रखे कीमती जेवरात और कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तब दुर्ग पुलिस हरकत में आई और तत्काल फोरेंसिक एवं डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और अब पुलिस साक्ष्य जुटाने एवं आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। 5 आदमी मेरे बेडरूम का दरवाजा तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि खोलो खोलो नहीं तो मार डालेंगे। तो मैं उधर से चिल्लाने लगी कि भैया हमको माफ़ कर दो, कौन हो आप लोग, ऐसा वैसा। तब तक उन लोग तोड़ चुके थे लॉक मेरे कमरे का और अंदर प्रवेश कर चुके थे। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इन लोग छत्तीसगढ़ी हैं, कुछ लोग उस तरीके के दिख रहे थे, तो बोले गांव घर के हो के ऐसा काम करते हो यार, तुमन मारे पीटे पर आओ। तो लोग बोले किस बात का गांव घर, दीदी आप सहयोग करो, नगद कैश निकालो, सोना चांदी निकालो। मैं कान में पहनी थी फटाक से उतार, बोले तो उतार के दी, गले में एक चैन पहनी थी उतार के दी। मैंने अपने पति को बोली कि अंगूठी एक पहने उतार के दे दो। उसके बाद उन लोग बोले कि ऊपर पूरा तलाशी हम कर चुके हैं, कुछ नहीं है तेरे घर में, ऊपर का रूम ये रूम पूरा उन लोग पहले ही तलाश चुके थे, कुछ नहीं है, जल्दी से बता कैश और सोने का पता। उनके यहाँ एक 4 से 5 जो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके यहाँ घर में प्रवेश किए हैं और उनके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस के उनके यहाँ जो सामान था, जो जेवर और पैसे, उनको बंधक बना के लूट कर ले गए हैं। तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस को इन्होंने अपने बंधन से मुक्त होने के बाद लगभग सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में दी। तत्काल 112 के द्वारा रिपोर्टिंग की, कंट्रोल रूम से पॉइंट मिलने पर सभी के सभी अधिकारी वहां पर पहुंचे। पहुंचने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार से जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया गया है और उस पर पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है।